हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी फेमस साउथ इंडियन रेसिपी मेदू वड़ा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम एक बोल में 2 कप उड़द दाल लेंगे और इसे अच्छे से पानी से धो लेंगे। धोने के बाद इसे 6 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखिए या रात भर रखिए। 6 घंटे के बाद हम इसे ब्लेंडिंग जार में डाल के ब्लेंड कर देंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें इसमें पानी बिल्कुल धीरे धीरे ऐड करना है, बैटर को ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो ये हमारा बैटर रेडी है। थोड़े से बैटर लेके हम इसको पानी में डाल देंगे। अगर ये तैरेगा तो ये अच्छे से सेट हुआ है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप इसे 3 से 4 मिनट तक फेंट लें। और फिर इसमें डालें 1 बड़ा साइज़ का प्याज, ये अदरक, जीरा, मिर्च और नमक स्वाद के अनुसार और कड़ी पत्ते। इसे हल्के हाथों से मिलाएं। इसमें सोडा वगैरह मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत ही फ्लफी बनेंगे। तो इसे मिला दें अच्छे से। इस वड़े को क्रिस्पी बनाने के लिए हम लेंगे चावल का आटा यानी राइस फ्लोर 2 चम्मच। अच्छे से मिला दें। और अब इसे हमें डीप फ्राई कर लेना है। आप इस वड़े को हाथ से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ एक कटोरी ली है, कटोरी को उल्टा करके पीछे से एक मलमल का कपड़ा लगा दें और उसके पीछे पानी लगा के बैटर को वहाँ सेट करके इसके बीच में हम एक छोटा सा होल कर देंगे। देखिए, इससे ये वड़ा बनाना बहुत इजी होता है। ऐसे ही बाकी सब वड़े बनाएंगे। ध्यान रखिए आप इस मलमल के कपड़े के ऊपर थोड़ा सा पानी लगाकर ही वड़ा तैयार करें। गैस की फ्लेम को हम मीडियम पे ही रखेंगे। हाई फ्लेम में बड़े तलने से ऊपर से जल्दी पक जाते हैं और अंदर से कच्चे रहते हैं। तो ऐसे ही बाकी सारे वड़े को भी मैंने फ्राई कर लिया है। खाने में ये वड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं, बिल्कुल बाज़ार के जैसे। आपका भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब चलते हैं सर्विंग के प्रोसेस में। ये देखिए, आपको मैं बड़ा तोड़ के दिखा रही हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी बना था ऊपर से और अंदर से बहुत ही फ्लफी था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।